नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। लेकर जानेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कहां पर कितने कमाई के मौके हैं। रुपए जी देख रहे हैं, MCX कॉटन 43,500 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, 43,630 का ही लगा चुकी है। रूपा जी देख रहे हैं कि अब MCX कॉटन धीरे धीरे 44,000 के करीब जाती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या अब कॉटन यहाँ से 44,000 का लेवल दिखा देगी MCX पर, या फिर विदेशों में जो अब हल्की हल्की नरमी देखने को मिली है कॉटन में, उसकी वजह से MCX कॉटन नरमी की ओर चली जाएगी? देखिए, पोजीशन में अगर देखे वायदा में कोई बड़ी बात नहीं है कि 44,000 का आपको स्तर दिखाई दे, लेकिन हाजिर मंडियों में अब यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। 44,000 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है मार्केट में। यहाँ पर कभी भी करेक्शन की तरफ जा सकता है। मैं लगातार यही बोलती आ रही हूँ कि कॉटन में अब तेजी हो चुकी है इस सीजन की, और मुझे बहुत ज्यादा अभी सस्टेन नहीं लगता है मार्केट। देखिए, अभी ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है, नो डाउट, इसके चलते आपको हो सकता है कि 500-700 रुपए की तेजी और देखने को मिल जाए, लेकिन सस्टेन नहीं होगा मार्केट, और मुझे लगता है कि प्रेशर बन सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, और ऊपरी स्तरों पर माल निकालने की रणनीति होनी चाहिए। आगे चलकर बाजारों में दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है जी। यही सर पर जी मैंथ ऑयल की बात करी जाए, तो मैंथ ऑयल देख रहे हैं कि जो बाजार 1120-1130 पर गया था, उसमें फिर से नरमी देखने को मिली है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन बाजार 1100 से नीचे नहीं जा पा रहा है, 1100 के ऊपर ही सस्टेन है। 1100 के सपोर्ट लेवल देख रहे हैं कि मैंथा ऑयल को मिलता नजर आ रहा है MCX पर, आपको क्या लगता है, क्या अभी भी मैंथा ऑयल में तेजी की उम्मीद बाकी है? देखिए, मैंथा ऑयल में अभी जो टेक्निकली मैं देखूँ तो थोड़ा सा चार्ट यहाँ से वीक लग रहा है, और यहाँ से एक बार प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि एक बार 1080 तक नीचे लुढ़क सकता है, और अगर उसके नीचे सस्टेन कर गया मार्केट तो फिर और करेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर देखिए खरीदारी जरूर बनी थी, डिमांड जरूर पिकअप हुई, और एक्सपेक्टेड था कि 1200 तक मार्केट जा सकता है, और वहां से लगातार हम इसके अंदर करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। सस्टेन नहीं हुआ मार्केट और अभी 100 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली गिर चुका है, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 1080 के नीचे रुक गया मार्केट तो और ज्यादा गिरावट में जा सकता है, अदरवाइज 1120 के ऊपर अगर फिर निकलता है तो फिर तेजी में आ सकता है। तो फिलहाल के लिए एक सीमित दायरा है, 1080 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है जी। यही सर जी बात करें अब मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज भी तेजी का ही दौर जारी है। मसाले के जो प्राइजेस हैं, चाहे धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, तीनों ही मसाला अच्छे खासी तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, सपोर्ट लेवल के ऊपर ही है, लेवल्स अच्छे खासे हैं, आपको क्या लगता है, ये जो तेजी वक्त से पहले बनती नजर आई है मसालों के अंदर अचानक से, तो ये कब तक जारी रह सकती है, और क्या ऐसे में थोड़ा कॉशियस रहने की ट्रेड करके चलना सही रहेगा, या फिर इस तेजी में भी यहाँ पे मुनाफा वसूली की जा सकती है? देखिए अखिलेश, ये एकदम से तेजी नहीं आई है। अगर आप देखें तो हम अपने इसी बुलेटिन में लगातार बताते आए हैं कि मसालों में आगे चलकर तेजी का रुझान है, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्टिव है, इसमें बाइंग करके चलिए। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार अब मार्केट ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो जीरा हो या फिर धनिया, हल्दी, सब में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और ये तेजी अब कंटिन्यूशन में रह सकती है। और मेरे हिसाब से मसालों के अंदर अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्टिव है, अभी उतनी तेजी आई नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड है, तो आगे चलकर और भी मार्केट तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो करेक्शन के अंदर इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है जी। ये सर जी बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कि वो भी तेजी की ओर है, ग्वार गम 12,200 के ऊपर है और ग्वार सीड 6,300 के ऊपर। रूपा जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब जब ग्वार में ऊपरी जो लेवल्स हैं वो ज्यादा तेज होते हैं, तब तब निचले सर्किट लगते नजर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार ग्वार गम ग्वार सीड में देख रहे हैं एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग इस बार नहीं देखने को मिली, आपको क्या लगता है, क्या प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है जो आगे देखने को मिलेगी, या फिर जो एक तरफा तेजी है ये अभी ऐसी कंटिन्यू बनी रहेगी? देखिए, करेक्शन आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि लगातार मार्केट सस्टेन है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन अब जो ट्रेंड बन चुका है वो पॉजिटिव है, अभी भी यहाँ से अब डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बार 13,000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर गया तो 15,000 तक आपको मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। अभी करंट वायदा में एक्सपायरी है, बेहद करीब है, इस वजह से थोड़ा सा उठा पटक का माहौल रहेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखे तो 13,000 तक का टारगेट संभव है जी। ये सर जी, बिनौला खल में क्या लग रहा है आपको, क्या बिनौला खल अब बस ऐसे ही 3,000 के लेवल्स पर ही टिका रहेगा? अखिलेश, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि बिनौला खल में अब तेजी नहीं है, यहाँ से प्रेशर है, और 3,000-2,500 तक नीचे लुढ़क सकता है,
अभी भी वही लेवल है, और अगर 3,000 के नीचे जाता है मार्केट तो आप मान के चलिए कि 2,500 तक की गिरावट बन सकती है। जी जी, बात करें कैसे सीर की, तो कैसे सीर का बाजार देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब कुछ उठा है, 7,000 की ओर जाते हुए नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अब कैसे सीर फिर से वही वाली तेजी दिखाएगा जो पहले दिखाई थी? देखिए इसमें मूवमेंट नहीं है कैसे सीर में, और मेरे हिसाब से इसमें भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना चाहिए। लगातार करेक्शन के बाद अब हल्की रिकवरी है मार्केट के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि कैसे में भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जी जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या सोयाबीन अभी भी तेजी की ओर जा सकती है, क्योंकि देख रहे हैं कि बुआई का भी सीजन अब आने वाला है? देखिए अभी थोड़ा सा बाजार जो है हल्के करेक्शन में बना रह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मंदी नहीं है, तेजी भी नहीं आएगी। अभी बाजार जो है एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल सभी एडिबल ऑयल प्राइस के अंदर ये दायरे में हमें ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, टॉपिक्स किन देना चाहेंगी आप एग्री कमोडिटीज के अंदर? देखिए मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज के अंदर मसालों के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है, और आगे आने वाले दिनों में मसालों में तेजी का रुझान बना रह सकता है। जी रूपा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि कमोडिटी बाजार में किन कमोडिटीज में कमाई के मौके हैं और आगे बाजार कैसा रह सकता है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मुनाफे की खबर का दौर लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।